तो आज स्पेशल मेनू में बनने जा रही है पके हुए खीरे की सब्जी। तो मैंने आधा केजी खीरे को छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया। कढ़ाई में सरसों तेल डाला, तेल गर्म होने के बाद खीरा देंगे उसमें और गैस का हाथ कम करके रखेंगे और 5 मिनट तक यह सब्जी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोग खीरे का सब्जी बनाते होंगे, प्याज लहसुन से बनाते होंगे, लेकिन मैं बनाती हूँ उसमें ना प्याज लहसुन अदरक टमाटर कुछ नहीं यूज करूंगी और बिल्कुल तेल मसाला कम होगा उसमें। और आप लोगों को फिर बनाना ऐसे घर में, जो लोग खीरा नहीं खाते वो लोग भी खाएंगे। तो मैंने स्वाद अनुसार अभी नमक डाल दिया और 2 मिनट तक ये अच्छी तरह फ्राई करेंगे। उसमें हम ऊपर से पानी भी नहीं डालेंगे, अभी जैसे नमक डाला उसमें अभी उस खीरे से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगेगा। और उसमें हम मसाला जो डालेंगे वही भी कोई एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं, घर में हम रेगुलर जो सब्जी खाते जो मसाला होता है वही मसाला। तो मैंने उसमें आधा चम्मच से भी कम मिर्ची पाउडर डाली हूँ, हल्दी पाउडर भी उतना ही डालेंगे आधा चम्मच से कम, और जीरा पाउडर भी बिल्कुल छोटे चम्मच से आधा चम्मच। उसमें ज़्यादा मसालेदार ये सब्जी हम बनाते हैं या ज़्यादा तीखा बनाते हैं तो ये सब्जी फिर खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ये कम तेल मसाला में अच्छा लगता है, लेकिन देखने में लगेगा नहीं ये बिल्कुल तेल कम मसाला है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। तो ये सब्जी हमारा फ्राई हो चुका है, अभी इसमें लास्ट में हम एक चीज़ डालेंगे जो है मूंगफली का पाउडर। उसको मैंने कढ़ाई में भूज के पहले मिक्सी जार में पाउडर करके रख दिया था। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे सब्जी में, हम देखेंगे सब्जी में कितना मूंगफली चाहिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के मैं देख रही हूँ कितना जरूरत है इसमें मूंगफली, अभी और थोड़ा चाहिए जैसे लग रहा है मूंगफली कम हो रहा है इसमें। अभी मैं जितना प्लेट में ली थी उतना ही डाल दूंगी और 2 मिनट ये सब्जी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और अभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कढ़ाई का जैसे नीचे ना लगे ये मूंगफली, इसलिए अच्छी तरह चलाएंगे और गैस का आग कम ही रहेगा। ये सब्जी बनाते टाइम गैस का आग अगर आप लोग फुल कर दोगे पूरा तो फिर ये सब्जी जलने का चांस रहता है, इसलिए कम करके बनाना है। तो सब्जी बनके हमारा रेडी हो चुका है, अभी मैं गर्मा गर्म प्लेट में ले लिया। तो आप लोगों के सामने में बनाई हूँ, देखे हो कितना टाइम लगा ये बनाने में, 10 मिनट भी नहीं लगा, इससे पहले भी बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है, इसको आप रोटी चावल पराठा के साथ खाते हो फिर बहुत अच्छा लगेगा। और आज का यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और जो लोग आज मेरी ये रेसिपी नया देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबाना। फिर मैं और नया कोई रेसिपी के साथ आऊँगी। थैंक यू।